राज्यस्तरीय नलबाड़ी मेले में खाद्य पदार्थ बेचने वालों पर कड़ी नज़र फूड सेफ्टी विभाग बनाए हुए है। इस कड़ी में शुक्रवार को फूड सेफ्टी विभाग के सहायक आयुक्त दुकानों का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे। यहां पर उन्होंने सभी दुकानदारों को कई कड़े आदेश भी जारी किए गए। साथ ही एक दिन के भीतर सभी दुकानदारों को लाइसेंस बनाने के लिए कहा गया है। उन्होंने कहा कि अगर कल किसी भी दुकानदार के पास लाइसेंस नहीं होता है तो मौके पर ही अब चालान काटे जाएंगे। निरीक्षण करते हुए फूड सेफ्टी सहायक आयुक्त महेश कश्यप ने बताया कि मेले में छोटे से बड़े खाद्य पदार्थ बेचने वाले दुकानदारों को लाइसेंस बनाना अनिवार्य किया गया है। उन्होंने बताया कि उपायुक्त की ओर से सख्त आदेश जारी किए गए हैं कि लाइसेंस पहले मेडिकल होना अनिवार्य है। ऐसे में दुकानदारों को जानकारी दी गई कि सबसे पहले जिला अस्पताल में जाकर मेडिकल बनवाएं, उसके बाद विभाग द्वारा लाइसेंस प्रदान किया जाएगा। मेले में निरंतर जो खाद्य वस्तुओं की दुकानें हैं उनके निरंतर निरीक्षण किए जा रहे हैं और लोगों को सफाई के आदेश भी दिए जा रहे हैं। सफाई रखनी है और ग्लव्स पहनने हैं, एप्रन लगाना है और कैप, और जो है लोगों का जो वर्कर हैं उनके मेडिकल होना अनिवार्य है, उसके बाद ही दुकानदारों को लाइसेंस मिलेगा। आपका फैसला टीवी के लिए बिलासपुर से विजय कुमार की रिपोर्ट।